नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, आपके ही घर में छुपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, चुपचाप कर रहा है आपको कंगाल। जी हाँ मित्रों, आप लोगों के माँ बाप के अलावा आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे आपके दुश्मन ही हैं, क्योंकि वो आप लोगों को किसी न किसी रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आप लोगों को किसी न किसी रूप में आप लोगों के दुश्मन बैल बैठे हैं। आपको इस समय उन लोगों की पहचान करनी है, वह कौन है जो आप लोगों के सबसे बड़ा कंगाली का कारण बन रहा है, आप लोगों का दुश्मन बन रहा है, वो किस प्रकार से उसकी पहचान कर सकते हैं। अगर आपने पहचान कर लिया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएंगे, और अगर किसी कारण से आप उनके पहचान कर पाने में असफल हैं तो आप धीरे धीरे कंगाल हो जाएंगे। ऐसा हम नहीं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के विद्वान कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को उनके विषय में जानकारियों को हासिल करना बहुत ही आवश्यक, बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दिवस लिखे हैं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों। आप लोगों को इन दुश्मनों की पहचान करना बहुत ही जरूरी होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और जीवन के कई प्रकार की मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों के साथ आपके घर वाले इतने रूडली तरीके से या इतने बेशरम के तरह आपसे क्यों बात करते हैं, आपको क्यों डांट देते हैं, या फिर आपके साथ कोई भी बात अगर आप करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ना कोई आपके फटे में टांग जरूर अड़ाता है। कहने का यह मतलब है कि कोई ना कोई आपको परेशान जरूर करता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी कोई भी बात नहीं चलने देती है। सीधी तौर पर तो आप कभी भी कोई काम नहीं कर सकते हैं मित्रों। ऐसे में आप लोगों को अपने उन सदस्यों की पहचान करने होंगे जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जो आप लोगों की अवहेलना करते हैं, जो आप लोगों को इस समय डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, कभी कभी हमारे दिमाग में इतनी गंभीर विचार आ जाते हैं, इतनी गंभीर समस्याएं आ जाती हैं, वहीं हमारे जीवन को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती हैं, हमें कुछ भी करने से रोक देती हैं, और इन सभी के बारे में सोच कर हम परेशान हो जाते हैं। वैसे में आप गौर करें कि आप लोगों का घर में कौन सहयोगी है या कौन आप लोगों के खिलाफ कार्य कर रहा है। मित्रों, आप लोगों को घर से बाहर भी नहीं जाने देता है, या फिर ऐसा भी कहें कि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कार्य करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अड़चने जरूर डालता रहता है, ना आपको काम काजों से डाइवर्ट कर सकता है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये आपके माँ बाप को छोड़कर आपको कोई भी हो सकता है। ना आपने सुना तो होगा कि भाई ने भाई को ही कत्ल कर दिया, या फिर भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वह जमीन के लालच में, पैसों के लालच में, या आपके पीछे जो प्रॉपर्टी है उसके लालच में। ऐसे में आप लोग किसी पर भी भरोसा करने से 10 बार सोच लेने की अवश्य कोशिश करें, नहीं तो आप न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। ऐसे में आप लोगों को जो भी करना है बहुत ही सोच समझ कर करना है, अंधविश्वास पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी किसी भी बात को लेकर अगर कोई डाउट कर रहा है या आप लोगों पर संदेह कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण जरूर रहता है, और उसको आप सच मान लेते हैं, आप अंधविश्वास कर लेते हैं। ऐसे में आप लोगों को समझदारी से, टेक्निकली आप लोगों को इन्हें समझने की जरूरत होगी। किसी भी व्यक्ति पर आप लोगों को विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अलावा, अपने माँ बाप के अलावा किसी पर भी विश्वास इस दुनिया में न करें, क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है कलयुग। जी हाँ, वैसे तो कर्मों के अनुसार से फलों की प्राप्ति सबको मिलती रहती है, और रही बात काला जादू की, तो काला जादू भी कई लोग आप लोगों के घर में कर देते हैं, जिनसे कि व्यक्ति के जीवन में सदा सदा परेशानियां आती रहती हैं, सदा सदा कई प्रकार की मुसीबतें आती रहती हैं। ऐसे में आप लोगों को उन सभी सदस्यों की पहचान करने की जरूरत होगी जो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जो अपने काम निकल जाने के बाद आप लोगों से नफरत करते हैं, या आप लोगों के काम
नहीं आते हैं। ऐसे में उन लोगों से आप थोड़ा सा बचकर रहने की कोशिश करें, वह कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए आप उन सभी पर ध्यान दें, ईश्वर पर भरोसा रखें। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आपको नौकरी पैसे वाले लोगों को नौकरी में उनके सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति का योग बन रहा है। नौकरी में तरक्की होने की संभावना के योग हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेंगे। आपको उच्च पदों की प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। आपके पास समय की अधिकता रह सकते हैं। आपका समय मौज मस्ती में निकलने वाला है। शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने सभी कार्यों में सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से परिवार की आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। व्यापार व्यवसाय में आपको बेशुमार धन की प्राप्ति होने वाली है। आप अपने सच्चे प्यार को प्राप्त करने वाले हैं। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होंगे। आप अपने कामकाज की योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। आप सभी योजनाओं पर धैर्य से काम लेंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा लाभ मिल सकता है। अचानक आपको लाभ के कई अवसर हासिल हो सकते हैं। घर में किसी खास मेहमान का आगमन होंगे, जिनसे कि घर परिवार का माहौल खुशनुमा बना रह सकता है। आपके जीवन में जिम्मेदारी से उठाए भरा गया कदम भी आपके लिए काफी शुभ होंगे। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से आप लोगों को मेहनत का परिणाम प्राप्त होने वाला है। आप लोगों की किस्मत भी बदलने वाली है। महालक्ष्मी आप लोगों पर मेहरबान होने वाली है, जिनसे कि आपको धन की प्राप्ति बहुत ही जल्द होंगी। खासतौर पर जो लोग व्यापारी वर्ग के जातक है, उनको अपने व्यापार के क्षेत्र में अचानक से मुनाफा मिल सकता है। आप धन का संचय करने में सफल होंगे। आपके धन में लगातार बढ़ोतरी होंगी। आपकी बनाई गई योजनाएं भी सफल होंगी। कामकाज से जुड़े कुछ बेहतर कार्य कर सकते हैं। बेहतर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होंगी। आपके धन में वृद्धि हो सकती है। आपके द्वारा की गई मेहनत भी रंग ला सकती है। कार्यस्थल पर बड़े अधिकारी भी आपसे खुश होंगे। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई में लगेगा। संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में आप नौकरी और बिजनेस में बढ़ाने की नई प्लानिंग कर सकते हैं। धन की तंगियां भी अचानक से खत्म होंगी। रिश्तों तथा संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। व्यापार में कुछ बड़ा सुधार हो सकता है। आपको विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होंगी। कार्य क्षेत्र में लिया गया फैसला भी आपके लिए काफी अनुकूल हो सकता है। मित्रों भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके धन लाभ और बचत में वृद्धि हो सकती है। नौकरी पैसा वाले लोगों को अपनी वर्तमान नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अंत होगा। आपके जीवन में आपको अचानक से नई खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में आपको लगातार प्रगति हासिल होगी। जितनी तेजी से गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे, उतनी ही तेजी से आप अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपके सभी रुके हुए काम भी जल्दी ही सिद्ध होंगे। आपको सफलता मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को पढ़ाई करने में खूब मन लगेंगी। परीक्षा में आप सफल होंगे। अगर आप अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपको संतान की प्रगति होगी। व्यापार व्यवसाय में प्रतिकारक वातावरण का सृजन हो सकता है। पारिवारिक स्थितियां आनंददायक रह सकती हैं। आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार समाज में आपका महत्व बढ़ सकता है। लिया गया फैसला भी आपके लिए काफी निर्णायक हो सकता है। मित्रों भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा भी आप लोगों पर बनी रहेंगी। आप लोगों को जल्दी ही शुभ समाचार मिल सकता है। धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। कार्य क्षेत्र और ऑफिस में होने वाले कुछ घटनाक्रमों के कारण आप अपनी योजनाओं और कार्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं। आपके सहकर्मियों और मित्रों की सहायता से आपके जरूरी काम पूरे होंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को अपने अलग दिनों में पूरा कर सकते हैं। धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। कार्य क्षेत्र और ऑफिस में होने वाले घटनाक्रमों के कारण आप अपनी योजनाओं और कार्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं।